हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रिविट पॉपर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। तो हमें यहाँ बताना है रिविट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दी थी। अब इस हाइपोथेसिस की बात करें तो ये हाइपोथेसिस दी गई थी बाय द पॉल एरलिच। पॉल एरलिच ने सबसे पहले जो है रिविट पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज की थी और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने सजेस्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस जो कि किसी इकोसिस्टम में कितनी इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन दैट इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए स्पीशीज रिचनेस की इम्पोर्टेंस जो है ज्यादा है। अब इसमें जो है हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस में बोला गया था स्पीशीज जो प्रेजेंट होती है इकोसिस्टम में अगर वो रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इनके बारे में बात करें तो ये साइंटिस्ट थे, एक्सप्लोरर थे और इन्होंने फाउंड किया था फील्ड ऑफ, ये नॉन है टू फाउंड द फील्ड ऑफ द प्लांट बायोजियोग्राफी। प्लांट बायो जियोग्राफी। इसके बाद बात करें हम ऑप्शन सी की तो इसमें दिया गया है डेविड टिलमैन। तो इनका कंट्रीब्यूशन है टू इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रोजन लोडिंग एंड स्पीशीज कंपोजिशन में, स्पीशीज कंपोजिशन ऑन द कार्बन बैलेंस ऑफ ग्रासलैंड। कार्बन बैलेंस ऑफ द ग्रासलैंड जो है इनके द्वारा सजेस्ट किया गया था दैट इन्फ्लुएंस क्या होता है नाइट्रोजन लोडिंग का और स्पीशीज कंपोजिशन का ग्रासलैंड में कार्बन बैलेंस में। देन हमारे पास डी ऑप्शन में दिया गया है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे जो है एक इकोलॉजिस्ट हैं जो कि जाने जाते हैं टू एस्टेब्लिश द फील्ड ऑफ द थियोरेटिकल इकोलॉजी। तो ये थियोरेटिकल इकोलॉजी को एस्टेब्लिश करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।